अंकित को शांति का वचन भाई बख्श सिंह के द्वारा मार्च 13। मेरे इन वचनों को अपने मन में धारण कर और तुम उन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। व्यवस्था विवरण 11:18-19। नामान एलिशा के पास गया और उसके कहने पर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाने से वह रोग से चंगा हो गया। वह न केवल शारीरिक रूप से चंगा हुआ बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी चंगा हुआ। उस दिन से उसने इज़राइल के जीवित परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत करने से इनकार किया। नामान अपने राजा और अपने देश के अन्य महापुरुषों को बताता कि किस प्रकार उस छोटी दासी के माध्यम से उसने अंततः जीवित परमेश्वर को जाना। यह कितना संभव है कि बहुत से अन्य लोग अपनी अलग अलग जरूरतों के साथ नबी एलिशा के पास गए होंगे। इस प्रकार नामान जीवित परमेश्वर का साक्षी बना। यह सब उस छोटी लड़की के माता पिता की विश्वास योग्यता के कारण हुआ, जिन्होंने उसे जीवित परमेश्वर और उसके भविष्यवक्ता के बारे में सिखाया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक उत्तरदायित्व होता है। हर बच्चा ईश्वर की देन है। यह माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे उन्हें परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से सिखाएं। कई माता पिता अपने बच्चों के आध्यात्मिक जीवन के प्रति बहुत ही लापरवाह होते हैं, परिणाम स्वरूप उनसे आनंद और आशीर्वाद प्राप्त करने के बजाय उन्हें दुख और निराशा प्राप्त होती है और उन्हें दुख के कई आंसू बहाने पड़ते हैं। अगर बच्चे भटक जाते हैं तो काफ़ी हद तक इसमें माता पिता का दोष होता है। वे अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी में लापरवाह और असफल रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने बच्चों की शारीरिक जरूरतों को भरपूर मात्रा में पूरा किया हो और उन्हें ढेर सारे कपड़े, ढेर सारे खिलौने और मिठाइयों के ढेर सारे डब्बे दिए हों, परंतु उनके पास उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाने या उनके साथ प्रार्थना करने का समय नहीं था। वे अब तक अन्य मामलों में बहुत व्यस्त रहे हैं और अब अपनी लापरवाही के लिए बड़ी कीमत चुका रहे हैं। कृपया देखें कि उत्पत्ति 18:19 में परमेश्वर अब्राहम के बारे में किस प्रकार की गवाही दे सकता है। मैं उसे जानता हूँ कि वह उसके वंश और उसके घराने को जो उसके पीछे रह जाएगा आज्ञा देगा और वे न्याय करने के लिए यहोवा के मार्ग में बने रहेंगे, जिससे यहोवा इब्राहिम पर वह वचन पूरा करे जो उसने उसके विषय में कहा था। परमेश्वर ने कहा, मैं इब्राहिम को जानता हूँ, क्या वह तुम्हारे विषय में जो विश्वासी माता पिता हैं कहेगा? मैं यह जानता हूँ कि वह उसके लड़के वालों और अपने बाद उसके घराने को आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग पर बने रहें। परमेश्वर यह नहीं जानना चाहता कि आपके पास कौन सी उच्च शिक्षा है या आपके पास कितनी विश्वविद्यालय की डिग्रियां हैं। वह जानना चाहता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ परमेश्वर के वचन के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य में विश्वास योग्य पाया तो उसने कहा कि जो कुछ उसने उसके बारे में कहा था उसे वह पूरा करेगा। जब माता पिता अपना भाग पूरा करते हैं तो परमेश्वर भी अपना भाग पूरा करेंगे। वह अपने सभी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा।